आज है स्किन केयर की बारी, तो यहाँ मैंने लिया है कर्ड, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, और ये है आटा, चावल, मूंग और चने की दाल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसको मैंने ग्राइंड किया है, तो ये बन गया है उबटन। और इसमें थोड़ा सा हनी, और अगर आप चाहे तो लेमन भी मिला सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और आपकी बॉडी को अप्लाई करें, फेस को अप्लाई करें, तो इससे जो है डेड सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी पे, जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाएगी, ग्लो आएगा। अगर आप वीकली ट्वाइस इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा ग्लो आपके बॉडी और फेस पे आता है, तो ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आज का जो व्लॉग है, फ्राइडे का व्लॉग है ये, और फ्राइडे के दिन जो था गुड फ्राइडे था, और उस दिन मुझे छुट्टी मिली थी मेरे स्कूल से, तो मैं घर पे ही थी, तो मैं जो भी पेंडिंग वर्क थे वो कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने अभी काम वगैरह करके नहा लिया है और हेयर वॉश किया है आज मैंने, तो हेयर वॉश के बाद हेयर आपके स्मूथ सॉफ्ट रहे इसीलिए मैं लगा रही हूँ सेरम जो लॉरियल पेरिस का है, जो मैंने पर्पल से ख़रीदा था, और एक वीडियो भी है उसके ऊपर, तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, आज छुट्टी का दिन था तो आराम से उठी थी और जो भी काम वगैरह थे वो हो गए हैं, और आज लंच बनाने की भी कोई ड्यूटी नहीं है मेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हैं, उनको बाहर का कुछ काम था इम्पॉर्टेंट, इसीलिए वो आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैं लोबान डाल रही हूँ, जैसा कि मैं थर्सडे और फ्राइडे को हमेशा लोबान डालती हूँ घर पे, जिससे कि गुड वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छा एक फील होता है घर में। खाने का सेम में बहुत मन कर रहा है, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी आपको कुछ अलग खाने का मन करता है, कभी मतलब कभी कुछ चाट पकौड़े खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, कभी कभी खाना खाने का मन नहीं करता, बस ऐसे ही कुछ भी खा लो लगता है ना। आज ना तो आप सोच रहे होंगे ये हैप्पी लाइफ ऐसे खाने पीने की बातें क्यों कर रही, क्योंकि ना आज मुझे मन कर रहा है सूजी का हलवा खाने का, तो इसीलिए मैं आज सूजी का हलवा जो है वो बनाने जा रही हूँ। सूजी का हलवा किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना। कर लीजिए बहुत ही सिंपल वाला। मैं देखती हूँ ना आप लोगों के जो आप लोग जो शेयर करते हो कभी कभी, इतने टेस्टी होते हैं ना, वो देख के मुझे दूसरे दिन सही में कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ चटपटा खाने का सही में मन करता है। तो अभी फिलहाल तो ये लंच पे आई नहीं, तो हम ये हलवा पार्टी करेंगे और फिर मामा के घर निकलेंगे, मैं आपको वहाँ पर मिलूँगी। तो आप भी आ जाइए फटाफट से, हेल्दी वाला हलवा खा लीजिए। तो ये लीजिए, ये आपके लिए।
खाना वाना तो मेरा हो गया फ्रेंड्स, और ये भी आज आने नहीं वाले, तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मा के घर जाऊँ, लेकिन अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है अभी। और ओ माय गॉड, देख सकते हो आप इतनी धूप है बाहर, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना जाऊँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और फिर निकलती हूँ। बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अभी, तो मैं सोच रही हूँ तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी बज रहे हैं 2:30, मैं निकलूँगी 4 o'clock को। 4 तक थोड़ी देर सो जाती हूँ, नींद तो आ नहीं रही, लेकिन टीवी देख लेती हूँ थोड़ा, और फिर आपसे मिलती हूँ 4 o'clock को, जब मैं मम्मा के घर जाऊँगी। तो आप भी थोड़ा आराम करिए, लेकिन ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स, थोड़ा सो के उठी हूँ अभी, और अभी बज रहे हैं 4, तो चलिए निकलते हैं। हम लोग कुछ टेस्टी सा बना रहे हैं, वो है अंगूर का जूस, क्योंकि गर्मियों में ना कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। तो अभी ग्रेप जूस पियेंगे हम थोड़ी देर के बाद, और अभी हम लोग चाय वगैरह पिए थे, लाइट बंद कर दिया, इतनी गर्मी है लाइट जलाने से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं, और अभी हम लोग ऐसे ही थोड़ा टहल रहे थे यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं पौधों को जो है पानी डाल रही हूँ, और मम्मा और जो सिस्टर हैं वो थोड़ा किचन में बिज़ी हैं, इसीलिए मैं ये काम को कंप्लीट कर रही हूँ। इससे उनकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, और मुझे ये करना बहुत पसंद भी है। मम्मी ने ना फ्लावर्स खरीदे हैं, तो फ्रेंड्स साउथ में इस तरह के गजरे मिलते हैं और रोज़ाना लगाते हैं, और समर स्पेशल ये जो फ्लावर्स हैं जैस्मिन के, समर में बहुत आते हैं यहाँ पे। अंगूर का जूस बन रहा है, मतलब वो जो बॉईल करके बनाते हैं ना वो वाला, तो मैं एक दिन आपसे ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही यमी होती है, बहुत हेल्दी भी होती है, तो हाँ गर्मी में कुछ ना कुछ पीने का मन करता है सही में, मतलब खाना वगैरह तो भूख नहीं लगती, कुछ ना कुछ ठंडा पियो तो। लेकिन अभी जो है, अभी अभी गर्मी आए तो इतना ठंडा एक ही साथ नहीं पीना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसको, इसकी मैं रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, किस तरह से जो ब्लैक कलर के जो ग्रेप्स होते हैं ना, उसका जूस हम किस तरह बनाते हैं ज़रूर शेयर करूँगी जल्दी। देखिए फ्रेंड्स, ये है सब्जा, आपको भी पता ही होगा ये गर्मियों में बहुत लाभदायक होते हैं, और इसको हम रोज़ पीते हैं यहाँ पे। नींबू पानी में डाल सकते हो, सोडा में डाल सकते हो इसको। इसको ना भिगो के ना फ्रिज में रख लेते हैं, अब इसको पानी भर के फ्रिज में रखेंगे, इतने हो जाएंगे ये। इसको हर चीज़ में ना मिला के पियो, हेल्थ अच्छी रहती है। इसमें पानी डाल दो, पानी डाल दो इसमें। अरे ये इसका ढक्कन नहीं है, मैं सोच रही इसका है, देखो अगर इसमें अटक जाता ना तो। ये देखिए फ्रेंड्स, बस आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ये। मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये भी आ चुके हैं, तो मैं थोड़ी फ्रेश अप हो गई हूँ। अभी जो डिनर है वो भी मम्मा ने मुझे बना के दे दिया है, तो अभी इतनी गर्मी है बाहर की, हम लोग बाहर नहीं जा सकते बिल्कुल भी। आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, शबा खैर, मिलते हैं कल एक फ्रेश से ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। देखिए ठंडी हवा में भी इतनी पसीना आ रहा है।